आज हम शुरू करते हैं एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में बाकी जितनी चीज़ें हैं हमने सब नोटपैड में पढ़ ली थी, सिर्फ दो या तीन चीज़ें हैं जो नई आई हैं उनको पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर कुछ टाइप करते हैं, बहुत सारी चीज़ टाइप की है या कोई तस्वीर वगैरह बनाई है तो वो गलती से हमसे क्या हो गई, डिलीट। तो उसको वापस लाने के लिए नोटपैड में हमने पढ़ा था अनडू, क्या पढ़ा था, अनडू। और यहाँ पर एक नई चीज है रिपीट, क्या चीज है, अनडू जो होता है वो गलती को वापस करता है और रिपीट वो चीज होती है जो अनडू को वापस कर देती है। मिसाल के तौर पे हमने कोई चीज लिखी, उसका लिखाई का अंदाज तब्दील किया, फॉन्ट तब्दील किया, हम कहते हैं कि जो पहले फॉन्ट था हमें वही चाहिए, वो फॉन्ट किस तरह वापस आएगा हमें उसका नाम नहीं मालूम, तो एडिट में जाके इसको अनडू करते हैं तो वो पुराने स्टाइल में आ जाएगा। अब हम कहते हैं कि जो फॉन्ट नया दिया था वो ठीक था, वो हमें पसंद था, तो हमें उस फॉन्ट का नाम भी नहीं पता, तो क्या करते हैं हम एडिट में जाके उसको रिपीट कर देते हैं या रीडू कर देते हैं। रिपीट और रीडू एक ही चीज होती है, इस पर क्लिक करते हैं तो जो अनडू हुआ है वो रीडू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अनडू जो किया था वो खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगली चीज हमारे पास आ जाती है ऑफिस क्लिपबोर्ड। हमने पहले पढ़ा था नोटपैड में कोई भी चीज कट या कॉपी करते हैं वो क्लिपबोर्ड पे चली जाती है। कंप्यूटर के क्लिपबोर्ड पर एक वक्त में सिर्फ एक चीज जाती है, जबकि ऑफिस के क्लिपबोर्ड पर एक वक्त में हम 24 चीजें भेज सकते हैं। इसको ऑन करने का क्या तरीकाकार है, इस पर क्लिक करें तो देखें यहाँ पर हमारे पास ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑन हो गया है। अब हम जब भी कोई चीज कॉपी करेंगे तो ऑफिस क्लिपबोर्ड पर वो चली जाएगी। इसी तरह कुछ और लिखते हैं, जो चीज हम कॉपी करेंगे वो क्लिप बोर्ड पर कॉपी हो जाएगी। तो हम क्लिप बोर्ड पर, ऑफिस की क्लिप बोर्ड पर एक वक्त में 24 चीजें भेज सकते हैं और हमें वो बता रहा होता है यहाँ पर जिस तरह अभी लिखा हुआ आ रहा है कि 3 of 24, यानी कि हम 24 चीजें भेज सकते हैं और हमने अभी कितनी भेज ली है, 3। ये किस लिए काम आता है, ये अक्सर फॉर्म बनाने के लिए या पेपर्स बनाने के लिए काम आता है। मिसाल के तौर पर हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये बार बार इसमें इस्तेमाल होगा। इसी तरह आंसर, ये ऐसी चीजें होती हैं जो भी क्वेश्चन पेपर होता है उसमें बार बार इस्तेमाल होते हैं, तो इनको क्या करते हैं आसानी से हम सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, आंसर को भी क्या कर लेते हैं कॉपी। अब जिस जगह हमें ये इस्तेमाल करना पड़े तो हम क्या करते हैं, सिर्फ उस पर क्लिक करते हैं तो ऑफिस क्लिप बोर्ड से वो पेस्ट हो जाएगा। अगर सारी चीजें जितनी क्लिप बोर्ड पर मौजूद है सबको पेस्ट करना हो तो क्या करते हैं, पेस्ट ऑल, पेस्ट ऑल करेंगे तो ऑफिस क्लिप बोर्ड पर जितनी भी चीजें मौजूद हैं वो सारी पेस्ट हो जाएगी। अगर क्लिप बोर्ड से कोई चीज डिलीट करनी हो तो उस चीज पर आएं और साथ छोटा सा तीर का निशान आ रहा है इस पर क्लिक करें और उसको डिलीट कर दें, ऑफिस क्लिप बोर्ड से डिलीट हो जाएगा। अगर सारे का सारा क्लिप बोर्ड साफ करना हो तो क्लियर ऑल का बटन होता है, क्लियर ऑल पर हम क्लिक करते हैं तो सारा ऑफिस क्लिप बोर्ड साफ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा उस पर जितना भी डेटा मौजूद था। आम क्लिप बोर्ड और ऑफिस क्लिप बोर्ड में यह फर्क है कि इसमें 24 चीजें आ सकती हैं, आम क्लिप बोर्ड जो होता है उसमें सिर्फ एक चीज कॉपी या कट होकर जाती है, उसके बाद बाकी जितनी चीजें हैं वो पढ़ ली हैं, फाइंड, रिप्लेस वगैरह। अगली चीज हमारे पास क्लियर, क्या चीज है, क्लियर क्या होता है, क्लियर में दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो है कंटेंट, यानी कि जब हम सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो जिस तरह चीज डिलीट हो जाती है उसी तरह यहां से भी डिलीट होता है। दूसरी चीज है फॉर्मेट्स, हमने पढ़ा था फॉर्मेटिंग बार में फॉन्ट का साइज चेंज करना, फॉन्ट का स्टाइल वगैरह चेंज करना, तो ये सब उसको खत्म कर देता है फॉर्मेट्स, यानी कि फॉर्मेटिंग बार में से जो तब्दीली आपने की है उसको खत्म कर देगा। सेलेक्ट करें, एडिट पे आए और क्लियर पे आकर फॉर्मेट्स पर क्लिक करें तो जो नॉर्मल फॉन्ट होता है टाइम्स न्यू रोमन उसी में उसको ले आएगा। इतने काम की चीज नहीं है लेकिन बाज़ का जरूरत पड़ जाती है। और सबसे आखिरी चीज हमारे पास गो टू, गो टू किस लिए इस्तेमाल होता है, हमने एक बुक बनाई है मिसाल के तौर पर, उसमें 600 सफ़े हैं, 400 सफ़े हैं, जितने भी पेजेस हों, तो हम अगर किसी सफ़े पे आसानी से जाना चाहें, मिसाल के तौर पर हम 352 नंबर सफ़े पे जाना चाहते हैं तो एडिट पे आकर इसको करें गो टू, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी, इस पर आए और देखें यहाँ पर ये पूछ रहा है इंटर पेज नंबर,
एंटर पेज नंबर, जिस सफे पर जिस पेज पर जाना हो उसका नंबर लिख के हम गो टू करते हैं और वो उसी सफे पर ले जाता है। फिलहाल यहाँ पर मौजूद सिर्फ एक ही सफा है, इसलिए यहाँ पर ये कहीं नहीं गया, उसी सफे पर ही मौजूद है। पास व्यू मेन्यू में जो चार व्यूज होते हैं हमारे, वो पढ़ लेते हैं कि वो क्या चीज होती है। हमारे पास सबसे पहले आ रहा है नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट, प्रिंट लेआउट और रीडिंग लेआउट। ये क्या होता है, हमारा जो पेज है, हमारे सामने जो डॉक्यूमेंट ओपन है, उसका देखने का अंदाज तब्दील हो जाता है। ये यहाँ पर भी इसके बटन शॉर्टकट बटन होते हैं, यहाँ से भी चेंज होते हैं और इधर से भी हम चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल व्यू, हमारे रूलर्स वगैरह ऑफ हो जाएंगे। इसी तरह वेब लेआउट, अगर हम वेबसाइट बना रहे हैं तो हम देखना चाहते हैं कि ये वेबसाइट के तौर पर ये सफा किस तरह नजर आएगा, तो वेब लेआउट हमें दिखा देता है। बाकी सारे लेआउट हम इतना खास इस्तेमाल नहीं करते। सबसे ज्यादा लेआउट जिसमें हमने काम करना होता है वो होता है प्रिंट लेआउट, ताकि हमें साथ साथ पता चलता रहे कि हम सफे पर क्या बना रहे हैं और वो किस जगह पे प्रिंट होगा। तो इस पर क्लिक करें तो हमारा ये प्रिंट लेआउट होता है, जिसकी दोनों साइड पे रूलर वगैरह और ये स्क्रॉल बार वगैरह आ रही होती है। तो उसके अलावा फुल स्क्रीन देखना चाहें, फुल स्क्रीन भी अपना डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। इसको क्लोज फुल स्क्रीन करें तो फुल स्क्रीन क्लोज हो जाती है। उसके बाद हमारे पास जूम का ऑप्शन होता है। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स के जो फॉन्ट है उसको बड़ा नहीं करना चाहते, इसका साइज अभी देखें 12 आ रहा है, हम इसको बड़ा नहीं करना चाहते, सिर्फ जूम करके देखना चाहते हैं, तो हमारे पास जूम का ऑप्शन होता है। इस पर क्लिक करें और ये पूछता है कि कितना परसेंट मैं इसको जूम करूं, 200, 100, 75 या कितना। तो हम इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो हमें उतना ही जूम करके बता देता है, फॉन्ट का साइज चेंज नहीं हुआ। उसके अलावा ये हम यहां से भी चेंज कर सकते हैं, जितना भी इसको जूम करके देखना चाहें देख सकते हैं, फॉन्ट का साइज चेंज नहीं होगा। तो ये था हमारा एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू में हमने रिपीट पढ़ा है कि रिपीट क्या चीज है, ये अनडू को खत्म करता है, और ऑफिस क्लिप बोर्ड का तारफ पढ़ा है। क्लियर मेन्यू में हमने फॉर्मेट्स पढ़ा है कि फॉन्ट और उसका स्टाइल वगैरह सारा क्लियर हो जाता है, और गो टू हम अपने किसी भी सफे वगैरह पर जा सकते हैं। और व्यू मेन्यू में हमने चार मुख्तलिफ किस्म के व्यू पढ़े हैं, और ये पढ़ा है कि प्रिंट लेआउट हमेशा व्यू हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके अलावा हमने जूम और फुल स्क्रीन पढ़ा है। और अगली चीज है, अगर हम रूलर ऑन या ऑफ करना चाहें प्रिंट लेआउट में, तो उनको भी यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये सिर्फ तारफ था, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। अगली चीज जब हमारी जब शुरू होगी इंसर्ट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, तो वो एमएस वर्ड में एम होते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें आप।